चुनाव दो खेमों के बीच में, एक ओर आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद है, और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या सपने देख रहे हो? आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे, आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए, नाम गढ़ों की भूमि को कब्जाने वाले बदरुद्दीन को लेकर आए हैं, और दूसरी ओर हम हर नामगढ़ को 2.5 लाख रुपया देकर श्रीमंत शंकर देव के संदेश को पूरे आसाम के अंदर फैलाने की बात। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आसाम की संस्कृति की? आसाम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बदरुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वो नहीं रख सकते। मोदी जी के नेतृत्व में असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी ही आसाम की बहुरंगी सभ्यता को बचाकर रख सकते हैं। मित्रों, 5 साल पहले मैं पार्टी अध्यक्ष नाते इसी क्षेत्र में आया था और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद का सरकार बनाकर दीजिए, हम आतंकवाद मुक्त आसाम बनाकर आपको देंगे। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाइए, हम आंदोलन मुक्त आसाम बनाकर देंगे। मैंने कहा था गण परिषद और भाजपा सरकार बनाइए, एक विकसित आसाम हम आपको देंगे। मित्रों, आज तीनों वादे पूरा कर भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद मांगने के लिए यहां आई है। बरसों से असम के अंदर आतंकवाद होता था, गोलियां चलती थी, गुमराह नौजवान मारे जाते थे, पुलिस फोर्स के लोग मारे जाते थे, नागरिक मारे जाते थे, मगर कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। उनको तो सबको लड़ाने में मजा आता है, बोडो और नॉन बोडो, अपर आसाम, लोअर आसाम, आसाम और बंगाली, ये झगड़े लगाते थे, मगर आपने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 5 ही साल में बोडोलैंड समस्या का हमने निपटारा करा, 2000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आसाम आतंकवाद मुक्त बनकर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मित्रों, मुझे एक बार बताइए, मोदी जी आत्मनिर्भर आसाम बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? आत्मनिर्भर आसाम, जिसे आसाम के युवाओं को नौकरी लेने के लिए देश भर में कहीं जाना न पड़े। आत्मनिर्भर आसाम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? जोर से बोलिए, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? अरे राहुल बाबा, मौलाना निर्भर आसाम बनाना चाहते हैं जो अजमल के भरोसे हो। मित्रों, आपको तय करना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है या मौलाना निर्भर भारत बनाना है, वो आसाम की जनता को तय करना है। मुझे भरोसा है कि हम आत्मनिर्भर आसाम के रास्ते पर जाएंगे।